ठीक है, विदेश में विदेश की जिस जिस विदेश की धरती पर बिना बुलाया बिरयानी खा आते हैं, शाल उड़ा आते हैं, G20 का है, G20 क्या है ये बताइए मारू भाई जी। एक वैश्विक मंच होता है जी, वैश्विक मंच हम कहते भी वसुधैव कुटुंबकम जी, हम कहते भी हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है और नारा है जी, जी। अगर अगर इतने सब लोगों को ज्ञान है गया, गीता ज्ञान मिल गया राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए हुए फेलोशिप भाषण का, जो उन्होंने वहां पर केवल वो दिया था, लेक्चर दिया था, भाषण नहीं दिया था। पीसी इन्होंने कल पीसी करी है, 9 साल में क्यों नहीं हमारे देश के डिजाइनर पीसी कर पा रहे हैं, किसने रोका है? अक्षय कुमार पत्रकार छोड़ी है। अब राहुल गांधी ने जो वहां पर कहा वैश्विक मंच क्या है, अभी G20 के लोग आपके हिंदुस्तान में 20 दिन रहे हैं जी, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं सुना गया, क्या क्या नहीं देखा गया और क्या क्या नहीं दिखाया गया जी, वो क्या है, वो क्या है। और दूसरी बात मारूफ जी, दूसरी बात मारूफ जी, आग भाई ये वो तो वीडियो दिखा दीजिए आर्काइव से निकाल के शुभेंदु जी को, जो चीन की धरती पर हमारे आदरणीय मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, वो तो बहुत पुराना वीडियो थोड़ी है जी, वो तो वीडियो पब्लिक डोमेन पे आ गया है जिसमें कहा गया कि भारत रहने लायक नहीं है। ठीक है, ये स्थिति बन गई है, यही इन्हीं ने मोदी जी ने कहा है और ये वीडियो सामने आ चुका है, कोई चीजें छुपती थोड़ी है। आज पहली बार हिंदुस्तान के जो मीम आ रहे हैं बन के उस पे हाउस के ऊपर लिखा हुआ म्यूट, संसद मौन हो जाएगी, संसद को बीप 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 कर दिया जाएगा। मारू जी बीप 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 तब होता है जब हाउस में, छोटे या बड़े किसी हाउस में चलते हो, हाउस में कोई सदस्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है जो उस चीज में नहीं, तब बीप 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 करते हैं जी। उस दिन अभी पिछले बार में बीप 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 कहे हुआ जब राहुल गांधी बोल रहे थे। अब सुनिए मारू भाई, अगर इतने ही माफी मंगवाने का शो, हाँ अब म्यूट क्यों किया, अब अगर लोकसभा में भी कोई तार अगर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक की यह स्थिति है 21वीं सदी में लोकसभा में कि आप अगर विपक्ष बोल रहा है वहां पर म्यूट हो जाए, सिस्टम म्यूट हो जाए, जैसे देश का सिस्टम म्यूट हो चुका है वैसे अगर वहां का भी सिस्टम म्यूट हो जाए तब तो फिर भाई गजब, खुदा की कसम गजब ही है। और दूसरी बात, राहुल गांधी से अगर माफी मंगवानी है तो उनको देश में आने का आइडिया चले गए थे वही रोक देते, प्रस्ताव पास करते कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह वाला काम किया है, देश की छवि खराब करी है, देश के गुप्त सूचनाओं को लंदन में वो दिया है, प्रमाण इकट्ठे करते और देश जैसे नहीं जिला निकल बदार प्रदेश बदार तो देश बदार कर देते, क्या दिक्कत थी? राहुल गांधी का निर्वासित जीवन व्यतीत करते सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इटली, हांगकांग, क्यों आने दिया? अब आने दिया है तो जैसे आप बनारस से चुने हुए सांसद है वैसे वायनाड चुना हुआ सांसद है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित शपथ लिया हुआ सांसद है, आप उसको नहीं बोलने देंगे माफी मांगो माफी मांगो? अरे भाई 350 की तो माफी मंगवा दो अमृती ईरानी जी से, तो राहुल गांधी अच्छा एक चीज बताइए मारूफ जी, क्या राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं? क्या इस देश में पहले JPC नहीं बनी? कसम से लालू यादव जी की कभी कभी बड़ी याद आती है। क्या इस देश में इससे पहले श्वेत पत्र जारी नहीं हुए? ठीक है, क्या इससे पहले टाटा और बिड़ला नहीं थे? 100 साल पुराने घराने नहीं थे? आज तक उठा 50 में नहीं आ पाए, कौन सा जादू है? अगर यही तो पता करने के लिए लोग पूछ रहे विपक्ष के, मुट्ठी भर सांसद, ठीक है मुट्ठी भर सांसद, आप तो एक मिनट मारू भाई बात पूरी कर ले, आधा मिनट शुभेंदु जी आपको लूंगा चर्चा में, सुशील जी की बात बस खत्म होने को है, उसके बाद पूरा मौका आपको दूंगा। अगर ये पूछ रहे हैं कि सुशील दुबे का और मारू प्रजा का रिश्ता क्या है, तो ये रिश्ता बताने में न्यूज वर्ल्ड वालों को क्या परेशानी है? बता दें कि मेरा इनका रिश्ता भारतीय भाई भाईचारे का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई चोटी वाल, तो इसका रिश्ते को बताने में इतनी हाय है क्यों? अरे बोल दीजिए कि कैसे वो आदमी एकदम से नंबर 2 हो गया, टाटा बिरला तो नहीं हो पाए, और कैसे वो आदमी एकदम से बस समय है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, एक बार मनोज जी को ले लूं उसके बाद फिर दोबारा से मैं आऊंगा शुभेंदु जी के पास। मनोज जी क्या कहेंगे? एक तरफ लगातार 5वां दिन हा हुल्ला तमाम चीजें सामने आई, नहले पे दहले वाली बात चल रही है, यूं कहूं कि नाक का सवाल बनाया हुआ है। एक तरफ माफी मांगो की आवाज,
शेम शेम की आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ है कि भाई अडानी का क्या रिश्ता है वो बता दीजिए, लेकिन पूरा जो देश है वो मूक दर्शक इस पूरे मैच को देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जितने कंस्ट्रक्टिव मुद्दे हैं वो कहीं उस दरीचे के नीचे जाकर के दब चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं, और पूरे देश का जो पैसा है सिर्फ ये तमाशा देखने में लगा हुआ है। जेपीसी की मांग कोई पहली नई मांग नहीं है, करा देनी चाहिए, बहरहाल उनका अपना वो है वोटों के वो कराते हैं कि नहीं कराते। वहीं अगर कांग्रेस के इस बयान पे, राहुल के इस बयान पे इतनी ज़्यादा आपत्ति है, तो वाकई जैसे सुशील जी कह रहे हैं साक्ष्य इकट्ठा करिए, और हमने पहले भी देखा कि जो भी देशद्रोही जरा से भी मामले हुए उसको देशद्रोही करार दिया गया और बाहर दिखा दिया गया। राहुल गांधी वाकई देश को बदनाम कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे पास काम है, ये सारे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम उनको पूरी तरीके से लेट डाउन कर सकते हैं। लेकिन बात फंसी हुई है मनोज जी, बात क्यों फंसी हुई है? देखिए दो बातें इसमें निकल के आती है मारूफ जी जो बिल्कुल स्पष्ट होती है जी। पहली बात ये कि राहुल गांधी को बीजेपी ने सीरियस कब से लेना शुरू किया, ये वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप 9 साल की सरकार में राहुल गांधी को ही क्रिटिसाइज करते रहे और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में आपने उनको हमेशा प्रस्तुत किया देश के सामने, हजारों खर्च किए, तब आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि वो कोई ऐसी बात कहेंगे जो आपके हिसाब की होगी या देश के हिसाब की होगी। पहली एक ये बात, अगर ये बात ठीक नहीं है तो दूसरी ये बात बनती है कि राहुल गांधी ने अगर कोई गलत बात बोली है तो राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किंचित मात्र, इतने दिन का टाइम जिसने ले लिया वो भी देशद्रोही है, क्योंकि देशद्रोहियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा न लगाना भी तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो बीजेपी ने अब तक मुकदमा क्यों नहीं लगाया? मैं उदाहरण देता हूं कि लखनऊ में रामचरितमानस का कुछ पन्ने फोटोकॉपी करके कुछ लोगों ने जला दिए, उसमें कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, और वैसे ही 5-6-7 लोग थे, कुछ बच्चे भी थे उसमें स्टूडेंट, वो जलाया गया और सब पे एनएसए लग गया, सब जेल में बंद है। तो रामचरितमानस के पन्नों की फोटोकॉपी, खासकर वो जिसपे शूद्रों दलितों पिछड़ों का अपमान की बात है उस पे एनएसए, और इतना बड़ा विशाल देश जिसके विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी हैं उसका अपमान हो गया, तो बीजेपी खामोश, हाथों में क्या चूड़ियां पहन रखी है बीजेपी ने क्या? दूसरी बड़ी बात, एक इसमें तीसरा एंगल और मारूफ जी बनता है जी। कि राहुल जी ने शायद इसलिए विदेश में ये बात कही है क्योंकि हमारे देश के जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी वो विश्व गुरु बन चुके हैं, तो वो सुने देखे समझे विश्व में जाते हैं, तो भारत में पता चल गया, ये भी बात बीजेपी को माननी चाहिए। और ये तो मेरा व्यंग्य था इस पार्टी के लिए। हकीकत ये है, एक लाडले बेटे हैं इस देश के जिनका नाम गौतम अडानी है, उनके अब होता ना कि एक बाप अपने लाडले बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का कुछ ज्यादा ही हिस्सा देके चला जाता है, ठीक वैसे ही इस देश के तमाम पूंजीपतियों में एक लाडला पूंजीपति इस देश के प्रधानमंत्री का था जिनको उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा दे दिया। अब जब विदेशों से लेके वो देश तक में आवाज उठ गई, राहुल गांधी जी ने संसद में, संसद की बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता, कोई झूठा आरोप भी नहीं लगा सकता है संसद में, जो बोलेगा तथ्यों के साथ बोलेगा और जो सवाल पूछेगा तथ्यों के साथ पूछेगा और जो जवाब देगा वो भी तथ्यों के साथ जवाब देगा, क्योंकि वो सदन है, वो रिकॉर्डेड है सब कुछ। तो बीजेपी गई घबरा, गई डर, लाडले के भाई, लाडले को तो फिर दूसरे से बेईमानी करके ही तो देना पड़ता है ना, किसी का हिस्सा मार के, किसी के हिस्सेदारी का हक काट के तो ही दिया गया है दूसरे का पैसा। तो अब बीजेपी फंस चुकी है बुरी तरीके से, इसलिए पहली बार भारतीय इतिहास में सरकार सदन नहीं चलने दे रही। माफ करिएगा, मुझे शर्म आती है कि ये किन बेशर्मों को भारत की महान जनता ने चुनके बैठा दिया जो खुद नहीं सदन चलने देना चाहते। करोड़ों करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्चा होता है सदन चलने के लिए, और ये सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है बेशर्मों की तरह, देश का नुकसान कर रही है। मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं और 5 दिन निकल गए
अब काम वाम नहीं याद आ रहा है, अब लाडला याद आ रहा है कि मैं कैसे लाडले को बचा लूं। मेरा लाडला कहां दो नंबर का था, कहां पे 27 नंबर पे आ गया मेरा लाडला, कैसे मैं